दोस्तों, क्या आप भी ऐसे थंबनेल बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल से? जितने भी मेरे सामने ये थंबनेल आ रहे हैं दोस्तों, सारे के सारे मैंने अपने मोबाइल से क्रिएट किए हैं, वो भी सिर्फ काइन मास्टर की मदद से। दोस्तों, अगर भी आप इसी प्रकार के थंबनेल बनाना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, तभी समझ में आएगी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, ये सारे थंबनेल मैंने काइन मास्टर से ही बनाए हैं। आप सबसे पहले अपने काइन मास्टर को ओपन करिएगा। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद साइड में 16.9 पे क्लिक करना होगा, और ये बैकग्राउंड वाला ऑप्शन है, इस पे यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। आपको यहाँ से कोई एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होगा। मैंने वाइट कलर का बैकग्राउंड ले लिया है, और यहाँ से इसके क्राइटेरिया में से, यानी कि जो इसका माई कंप्यूटर मेमोरी कार्ड है, वहाँ से हम जो डाटा हमारा पड़ा हुआ होता है फ़ोन के अंदर, वहाँ से आप कुछ डाटा उठाएंगे। तो मैं यहाँ से एक PNG फ़ोटो उठा लेता हूँ अपना फोल्डर में से। कोई भी एक PNG फ़ोटो उठाने के बाद इसको साइड में कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको PNG फ़ोटो बनाना नहीं आता तो मेरी चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है PNG फ़ोटो कैसे बनाएं, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर PNG फ़ोटो ले लिया है। PNG फ़ोटो लेने के बाद अब मैं यहाँ से एक काइन मास्टर का लोगो ले लेता हूँ, जो मैंने डाउनलोड कर रहा था गूगल से। आप इसको ट्रांसपेरेंट PNG बना सकते हैं, मैं फ़िलहाल आपको ऐसे लगा करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों, थंबनेल जो है सिर्फ 2 मिनट में ही बनेगा, लेकिन ये वीडियोज़ में हम जो आपको बता रहे हैं, इससे आपको थोड़ा लंबा दिखाई देगा। आपके पास सारा डाटा कॉपी हुआ और PNG बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने एक यूट्यूब का, ये मेरे पास आइकन था, मैंने इसको यहाँ से ले लिया है। टी पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा काइन मास्टर। बहुत ही आसान है दोस्तों काइन मास्टर से थंबनेल बनाना, बस आपसे सारी चीज़ें आनी चाहिए। मुश्किल से 5 या 6 मिनट तो बहुत होते हैं, 2-3 मिनट में ही थंबनेल बन जाता है। मैं यहाँ पे लिखूँगा काइन मास्टर से थंबनेल बनाएं। इसको हम ऊपर ड्रैग कर लेंगे, और यहाँ पर साइड वाला जो ऑप्शन है कलर का, यहाँ से इसमें हम कलर दे देंगे रेड कलर, और ये डबल ए जो होता है इससे हम इसको बोल्ड कर देंगे। मैंने यहाँ लिख दिया है काइन मास्टर से थंबनेल कैसे बनाए, ये थंबनेल बनाए। फिर टी पे क्लिक करना होगा, और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ सिर्फ 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में लिख के ओके कर देंगे। इसको ड्रैग करेंगे, यानी कि बड़ा करेंगे, और यहाँ से कलर ले लेंगे हम। कलर कर दिया है इसमें, इसको बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद आउटलाइन कलर यहाँ से फिल कर देंगे इसमें, थोड़ा ऊपर करने के बाद। अब यहाँ पर मेरा मैटर हुआ काइन मास्टर से थंबनेल बना सिर्फ 2 मिनट में। दोस्तों, आपके ऊपर लिखने को डिपेंड है कि आप अपने थंबनेल में क्या लिखते हैं। मैं छोटा सा ही लिखूँगा, क्योंकि मेरा थंबनेल छोटा है, इसलिए मैं छोटा टाइप करूँगा यहाँ पर। अब दोस्तों, यूट्यूब को थोड़ा एडजस्ट कर लो, और मैं यहाँ से एक मेरा पहले से ही थंबनेल बना हुआ है, मैं उसको यहाँ से निकालता हूँ दिखाने के लिए कि इस तरीके से थंबनेल हम बनाते हैं, वो काइन मास्टर में हम लगाएंगे यहाँ पर थंबनेल बनाते वक्त। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं ऐसे एक पुराना थंबनेल था, उसको निकाल लेता हूँ जो मैंने बना के रखा हुआ था, और हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। इससे ही लगेगा कि हम ये दिखा रहे हैं आपको कि हमने थंबनेल, यानी कि इस टाइप का थंबनेल आप काइन मास्टर से भी बना सकते हैं। ये मैंने यहाँ से पुराना थंबनेल निकाल लिया है, यूट्यूब को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। फिर मेमोरी स्पेस में जाना है, टी पे क्लिक करना है,
और यहाँ पे हम लिखेंगे थंबनेल। थंबनेल लिखेंगे, इसको ड्रैग करेंगे यानी कि थोड़ा बड़ा कर लेंगे। कलर थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए इसको। अब ये हुआ काइन मास्टर से थंबनेल बना, सिर्फ 2 मिनट में यूट्यूब थंबनेल। काइन मास्टर का लोगो आ गया, आपका फोटो आ गया, और जो जो आपने पहले से एक थंबनेल बनाया वो आ गया। अब आप चाहो तो यहाँ पर काइन मास्टर का लोगो यानी कि काइन मास्टर का बैकग्राउंड आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपको लोगो, थंबनेल और PNG पिक पहले से डाउनलोड करके यहाँ पर रखनी होगी। अगर आपसे ये सब चीज़ें डाउनलोड करनी और नहीं आती हैं PNG बनाना, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ काइन मास्टर का, और थोड़ा सा साइड में इसको हम यहाँ से लगा देते हैं। तो ये मेरा यहाँ पर बैकग्राउंड आ गया, इससे ये लगेगा कि मैंने जो ये थंबनेल है काइन मास्टर से ही बनाया है। थोड़ा दिखने में जितना अच्छा होगा, आपके व्यूज़ परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होगी, तो बहुत अच्छे से और संभाल के बनाएं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तभी लाइक, कमेंट और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर हमने टाइप वगैरह सब कुछ कर लिया, हम करेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मैंने कर लिया है यानी कि वीडियोस में इसको ले जाता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको MX प्लेयर में प्ले करूँगा। MX प्लेयर में प्ले करने के बाद मुझे इसका एक हल्का सा स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसी स्क्रीनशॉट को आपको अपने YT का स्टूडियो में जाकर लगा देना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे, और देखते रहिए हमारे चैनल की ऐसे ही नई नई वीडियोज़ बड़े ही प्यार और शोर के साथ।